से एक बड़ा हादसा हो जाता है और व्यक्ति उसी समय मौके पर दम तोड़ देता है। जब रेल की चपेट में आएगा तो वो कहां से बचेगा? तो आप देख सकते हैं लोग कितने लापरवाह हैं। दूसरी ही तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि लोगों के लिए आने जाने के लिए हरियाणा सरकार यमुना नहर पुल के पास हम इस समय पहुंच चुके हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि बीती रात 12 से 12:30 बजे के करीब का समय था जब एक व्यक्ति यमुना नहर के इस पुल को, जिस पुल की आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, इस पुल को एक व्यक्ति रात के समय 12:30 बजे के करीब क्रॉस कर रहा था। जी हां, पार कर यमुना नदी के दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के साथ रेल की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो जाता है और व्यक्ति उसी समय मौके पर दम तोड़ देता है। जब रेल की चपेट में आएगा तो वो कहां से बचेगा? तो आप देख सकते हैं लोग कितने लापरवाह हैं। दूसरी ही तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहती हूं कि लोगों के लिए आने जाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक पुल जो है वो बना रखा है ताकि लोग वहीं से निकले, लेकिन लोग किस तरह से लापरवाही के चलते इस पुल का इस्तेमाल करते हैं और जिसके चलते लोगों के साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और लोग इन हादसों के चलते खुद जिम्मेवार हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार आपको नहीं बोलती है कि आप इस पुल का प्रयोग करें, फिर भी लोग लगातार किस तरह से अपनी मनमानी के चलते इस रेलवे ट्रैक के पुल को जो है वो पार करते हैं और इसी तरह से रेल की चपेट में आने से बड़े बड़े हादसों के शिकार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अभी तक अज्ञात माना जा रहा है। जी हाँ, 12:30 बजे के करीब वो व्यक्ति रात के समय शायद उसे ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनाई दी या उसने अपने दाएँ बाएँ नहीं देखा तो किस तरह से इसी रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ एक बड़ा हादसा हो जाना, दोस्तों एक बड़ी लापरवाही है। जी हाँ, बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर वो व्यक्ति चाहता तो दूसरा रेलवे ट्रैक का जो हरियाणा सरकार ने दूसरा जो पुल बना रखा है उसे भी पार कर सकता था, लेकिन उसने खुद अपना दिमाग चलाया और किस तरह से इस पुल का इस्तेमाल किया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। एक अहम जानकारी मैं आप लोगों तक उस व्यक्ति की जरूर बताऊंगी। अभी अज्ञात है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके शव को यमुनानगर के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। 72 घंटे तक परिवार की शिनाख्त अगर नहीं हो पाएगी तो उसके बाद सरकारी संस्था के द्वारा उस व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति के दाहिने बाजू के ऊपर, जी हाँ, राइट साइड की बाजू के ऊपर कमलावती और राजकुमार के नाम का एक टैटू बना हुआ है। हो सकता है उस व्यक्ति का नाम जो आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है शायद राजकुमार ही है और उसकी धर्मपत्नी का नाम शायद कमलावती है। फिलहाल अभी तक पुलिस जो है मामले की तफ्तीश करने में लगातार जुट चुकी है। देखने में उसकी जो उम्र है वो 30 से 32 साल की सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है शायद बिहार का रहने वाला वो व्यक्ति था, क्योंकि उसका जो हुलिया है वो देखकर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो अंदाज़ा लगा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यमुना नगर में किस तरह से आए दिन लोगों के साथ ट्रेन की चपेट में आने से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो मैं इस समय की तमाम तस्वीरें आपको यमुना नहर के पुल के पास से दिखा रही हूँ और मौके पर एक ऐसा शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसने रात के समय इस हादसे को होते हुए देखा है। एक बार मैं पूरा मामला इस शख्स से ज़रूर जानूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। जी विकास, क्या देखा था रात को आपने? रात को मैम हादसा हो गया होगा, मतलब अचानक उधर से आ रहा होगा, या ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी उसे, या फिलहाल पता नहीं क्या किस नशे में था, किस हालत में था। यहाँ से आते जाते ये हादसा होता रहता है। अभी फिलहाल नहीं किधर का बंदा था, हम सुबह इधर को जाते हैं जैसे काम पे भी जाते हैं सुबह के लिए, तो ब्लड पड़ा हुआ था मैम और कुछ वैसे दिमाग का जैसे भेजा वगैरह वही पड़ा हुआ था। यहाँ से ऐसे हादसे होते रहते हैं, मगर ये खुद अपने हादसे के लिए ऐसे शिकार बन जाते हैं ट्रेन के आगे आगे। सरकार ने रास्ते इधर से बना रखा, फिर भी इस बंदे इधर से जाते ही नहीं है, पता नहीं क्या दिमाग लगा के इस पे जाते हैं। यहीं पे रहते हैं? हम यहीं रहते हैं मैम, आज से काफ़ी साल हो गया। इधर आ रहा था या इधर से उधर की तरफ जा? मैम ये तो 11:30 बजे रात है, इधर से इधर जाएंगे क्योंकि स्टेशन का रास्ता इधर से, कुछ लेबर हैं फैक्ट्री के काम करने वाले बाबू जैसे ये काम करते हैं बिहारी, तो ये स्टेशन को इधर से जाते हैं। फिलहाल उसे ये मालूम नहीं होगा, नया बंदा होगा तो इधर का रास्ता मालूम नहीं था, तो इस तरह से क्या होगा चपेट में आ गया ट्रेन की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे भी आता है थोड़ा सोच समझ के जाए, अब जीवन एक ऐसा एक ही बार मिलता है, उन्हें अच्छा खासा रास्ता दे रखा है, आप रास्ते से जाइए कि इसका शिकार बनो। क्या नाम है आपका? विकास। मेरा नाम विकास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। के बारे में और क्या आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने बतौर SHO भी कल चार्ज लिया, SHO एज SHO GRP जगाधरी, और पहले तो मैं यहाँ क्राइम पर थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। इस थाने में लगभग अभी तक 19 केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें
छोटी मोटी चोरी है, मोबाइल चोरी या किसी का थोड़ा नकद या किसी का सामान चोरी हो गया, और जो भी मामले हैं वो एट द प्लेटफार्म नहीं है, सभी जीरो FIR पे हैं। जैसे रनिंग ट्रेन में कोई घटना घट जाती है और जीरो FIR दर स्टेट से लॉज होके आती है, तो एट द प्लेस ऑफ एक्यूरेंस कोई ऐसा मामला नहीं जो यहाँ स्नैचिंग हुई हो, स्नैचिंग का कोई मामला नहीं है। और जहाँ तक का आप पूछ रहे कल का, तो करीब रात 12 और 1 बजे के बीच सूचना मिली थी, एक अननोन डेड बॉडी मिली थी। मौके पे मैं भी गया था और हमारा हेड कॉन्स्टेबल राकेश कुमार है, उस द्वारा कार्रवाई इसमें की गई है। तो इसकी एज अबाउट 30-32 साल है, यंग है और हल्की दाढ़ी है, और इसका जो कपड़ों का डिस्क्रिप्शन है, इसने आसमानी कलर की लाइनदार कमीज और हल्की ब्लैक कलर की इसकी पैंट है, और इसकी दाई बाजू पे इसका एक राजकुमार और कमलावती नाम लिखा हुआ है। तो संभावना यही है भी इसका और इसकी घरवाली का नाम हो सकता है, तो इसके आधार पे इसको ट्रेस आउट करने के प्रयास कर रहे हैं। मौके पे कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए मोर्चरी में रख दिया गया, और आपसे भी ये उम्मीद करूँगा भाई इसको मीडिया में, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसको किया जाए ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो आप देख सकते हैं लोग किस तरह से लगातार अपनी मनमानी के चलते अपने समय को बचाते हुए किस तरह से शॉर्टकट रास्ता जो है उस पर चलते हैं, और इसी तरह से बड़े बड़े हादसों के शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही एक और व्यक्ति के साथ हुआ है। बीती रात 12 से 12:30 बजे के करीब का समय था जब एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से 32 साल की है, वो यमुना नहर के इस रेलवे ट्रैक वाले पुल को क्रॉस कर रहा था, और दूसरी ही तरफ हरियाणा सरकार के द्वारा एक नए पुल का निर्माण किया गया था, जो निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लोग यहाँ से रोजाना गुजर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने उस पुल का इस्तेमाल किया जहां से नहीं जाना चाहिए था, दूसरी जगह के पुल से भी वो व्यक्ति जा सकता था, लेकिन शायद वो नहीं गया, और इसी तरह से एक बड़ी लापरवाही के चलते वो इस व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह गया। फिलहाल अभी तक परिवार वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं पता चल पाई है। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश करने में जुट चुकी है। उस व्यक्ति के दाहिनी बाजू के ऊपर एक कमलावती के नाम का और एक राजकुमार के नाम का एक टैटू बना हुआ है। दोस्तों आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी वो व्यक्ति अज्ञात है जिसकी बॉडी जो है यमुनानगर के पोस्ट मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखी गई है। फिलहाल परिजन कहीं ना कहीं अपने इस पारिवारिक सदस्यों की तलाश कर रहे होंगे, लेकिन परिजनों को तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति इस दुनिया को ही अलविदा कह गया है। तो दोस्तों आप लोगों के इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से शायद उस व्यक्ति के परिवार की शिनाख्त हो सकती है। तो आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें, और आइंदा के लिए आप लोग भी सावधानी बरतें। अगर आप लोग यहां से कहीं पर जा रहे हैं तो रेलवे ट्रैक का पुल बिल्कुल भी पार मत करें। आने वाले समय में जो हादसा इस व्यक्ति के साथ हुआ है, कल को आपके साथ होते भी समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कर की रिपोर्ट।